जब तक आप उस लेवल पे रन नहीं बनाते हो ना यू आता पे चेक को लेके बड़ा इंटरेस्ट है कि फर्स्ट पेचेक उस जमाने में रणजी ट्रॉफी में कितना मिलता था आज तो अराउंड दो लाख चालीस बन जा रहा है लगभग पचास हजार रुपए उस जमाने में क्या पे चेक करती थी बीसीसीआई एक रणजी मैच खेलने का

एक लाख साठ हजार एक लाख साठ हो रहा था और आई थिंक कोविड में फिर और बढ़ा दिया गया पचास हजार हाँ। 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 तो uh, नहीं है फर्स्ट क्लास में सबसे ज्यादा मैचेस भी खेले हैं तो पे चेक सही है डू यू थिंक पे चेक सही है कि भैया सही है जो बंदा अगर मान लीजिए इंटरनेशनल हर कोई खेल नहीं पाएगा और किसी को अपना घर चलाना है फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारा लाइक क्रिडिल है वहां से सारे क्रिकेटर निकल हैं तो आर पेइंग इनफ के और इस पर काम करना चाहिए फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए होना चाहिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो लड़का आ, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपेयर करो तो तो इतना बड़ा गैप है चौक इन चीज़ के हाँ कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं आ, लेकिन जो लड़का सिर्फ फर्स्ट क्लास खेलता है और वो यू नो अक्टूबर से ले मार्च तक खेलता है और उसकी तैयारी पूरे साल उसकी चलती रहती है

और अच्छे से रह सके बिल्कुल जो अभी नहीं बना पा रहे हैं, हाँ। अभी पा तो much, uh, I'm sure. बिल्कुल आ, उनकी थोड़ी सी सोच होनी चाहिए, क्लास क्रिकेट की तरफ पर पैसा है यहाँ पर जो डिजर्विंग हाँ। लोग है वहां पर थोड़ा बढ़ाया जाए चलिए वापस आपने अपना करा यहाँ पर रगड़ा लगाया मेहनत करी शॉर्ट करी चीजें वापस आए फिर ऑब्वियसली आपको जब चांस मिला यू स्कोर हंड्रेड

मोंटी मोंटी और ये टीम के सामने जब आप 100 बनाते हो, no हो hmm. ना हियर hmm. hmm. वो कॉन्फिडेंस खुद में नहीं आता है। exactly. तो वंस यू गेट देन ऑब्वियसली यू फील के हाँ यू डन तो वो फीलिंग मुझे भी आई hmm. के मैंने रन बनाए टीम हमारी अच्छी करी हम hmm. हारते हारते वो टेस्ट मैच बचा गए थे बिल्कुल hmm.

चाहे वो क्रिकेट का जीरो नॉलेज रखने वाला हो या फिर जिसको समझ हो क्रिकेट की और जब वो आपने इनिंग लगाई थी वी न्यू इट्स के समथिंग स्पेशल और सचिन भी लगातार उस इनिंग को लेके हमेशा रेड करते हैं बड़े हाईली तो केप टाउन अगेंस्ट क्वालिटी अटैक उस अटैक के अगेंस्ट मारना सबसे सेटिस्फाइंग हंड्रेड में से कि डबल हंड्रेड पे भी आएंगे पाकिस्तान वाले उसके लिए तो अलग से भी विलास्ट क्यों

बट uh, एक पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि वो डेल स्टेन शॉन पोलक के सामने जाके हंड्रेड बनाए केप टाउन में सो या इट वॉज स्पेशल